हेलो स्टूडेंट्स, अपन हेलोजन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं उसमें हेलोजन कंपाउंड्स जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको अपन बोलते हैं SN। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इंडिकेट करता है नेगेटिव चार्ज और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो उसी नेगेटिव पार्टिकल्स का दूसरे नेगेटिव पार्टिकल से जो रिप्लेसमेंट हो जाता है, जो सब्स्टिट्यूशन होता है, कोई नेगेटिव एलिमेंट से तो दूसरे नेगेटिव एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लुक हियर, एक एग्जांपल लेते हैं। बोलते क्या, ये एक आर एक्स है, यहां पर मैंने किसी न्यूक्लियोफाइल को लाया। सपोज क्या, न्यूक्लियोफाइल OH- है, तो ये हेलोजन यहां से रिप्लेस हो जाएगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा, ROH और X- बाहर चला गया। कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो तो इसमें इंपॉर्टेंट अपन को मैकेनिज्म रीड करो। तो SN1 कितने टाइप्स की होती है, SN1 रिएक्शन होती है टू टाइप्स होती है, SN1 SN रिएक्शन एंड SN2। टू टाइप की रिएक्शन है ये SN1 एंड SN2। वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और टू का मतलब होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अपन एक 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 रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पहले अपन लेते हैं SN1, फिर लेंगे SN2। तो अपन स्टार्ट करते हैं SN1 से। देखिए SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अपन को कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट, गिवन बाय 3° एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड होगा वो कौन सा होगा, 3° होगा। सेकंड, मैकेनिज्म के स्टेप्स कितने होंगे, टू स्टेप मैकेनिज्म है। थर्ड क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। एंड फोर्थ रिक्वायर्ड किसकी होती है, पोलर सॉल्वेंट। तो ये पॉइंट ध्यान रखने, टर्सरी दे रहा है वो स्टेप मैकेनिज्म होती है, इंटरमीडिएट जो बनता है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, और सॉल्वेंट कौन सा रिक्वायर्ड होता है, पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है। देखिए इसकी मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप अपना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बो केटाइन। ये अपन ने लिया एक 3° हैलाइड, Cl ले लो, Br ले लो, CH3। ये हो गया 3° हैलाइड। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, किसी भी मैकेनिज्म का जो स्लो स्टेप होता है उसको अपन बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलती है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक सिंगल एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। इस स्लो स्टेप में क्या होगा, ये हैलोजन वाला पार्ट बाहर चला जाएगा, तो Br- क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जैसे ही Br- बाहर गया तो अपन को मिल गया ये कंपाउंड। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, चाहो तो इसे डिफरेंट टाइप से, दूसरे टाइप से भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर तो सेम है। अब ये तीनों में जो ये स्ट्रक्चर है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर कौन सा होता है, प्लेनर
ट्राइगोनल, कौन सा स्ट्रक्चर होता है? प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? स्टेबल थ्री डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, स्टेबल कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब इसका जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है वो बताता हूं मैं आपको। इस सेकेंड स्टेप में जो ये थ्री डिग्री कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस थ्री डिग्री कार्बोकैटायन पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। अब अपना न्यूक्लियोफाइल सपोज किया OH- माइनस है, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। क्योंकि sp2 है और प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, तो मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज दोनों है कि ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और ये बैक से भी अटैक, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है, प्लेनर ट्राइगोनल स्टेबल स्ट्रक्चर होने के कारण। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक करता है, तो अगर ये फ्रंट से अटैक करता है, ये वाला स्टेप फास्ट स्टेप्स होता है, तो फ्रंट से अटैक करता है तो ये कंपाउंड बन जाएगा, और अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब देखिए क्या डिफरेंस है में, अगर इसने फ्रंट से अटैक किया है तो देखिए रिएजेंट में जिस साइड में Br था OH वहीं पर आया है वापस, तो सेम पोजीशन पर अगर न्यूक्लियोफाइल की कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के सिमिलर प्रोडक्ट में होती है तो उसे कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज सिमिलर टू रिएक्टेंट। और यहां पर देखिए इस वाले में क्या है कि OH इस Br के अपोजिट साइड में है, तो इस ये जो प्रोडक्ट बना है ये कौन सा प्रोडक्ट है? इनवर्ट प्रोडक्ट है, तो इसको कहते हैं इनवर्जन। इसका मतलब दो टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे, रिटेंशन और इनवर्जन। रिटेंशन में जहां से Br गया है वही OH आया है, तो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन के क्या है? सिमिलर है। जबकि इस वाले में जो OH है वो Br के अपोजिट साइड में, बैक साइड में आया है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इनवर्ट प्रोडक्ट बन रहा है। इनवर्ट का मतलब ये हो गया कि कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट की रिएक्टेंट के कंपेयर में क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। क्लियर? तो इस समय जो ये रिएक्शन चलती है टू स्टेप मैकेनिज्म होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप स्लो होता है। इस स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो डिसाइड करवाते हैं कि रिएक्शन में किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एल्किल हैलाइड। इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सिंगल मॉलिक्यूल, सिर्फ एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको कहते हैं SN1 रिएक्शन। वन का मतलब रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन सिंगल मॉलिक्यूल्स एल्किल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, ओनली एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं SN1 रिएक्शन। क्या ध्यान रखना है? इसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, टू स्टेप मैकेनिज्म है, केवल एल्किल हैलाइड पर रिएक्शन डिपेंड करती है, और जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में 50% रिटेंशन वही कॉन्फ़िगरेशन वाला मिलता है और 50% अपोजिट हो जाती है, वो इन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पर ये SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। किसके द्वारा दी जाती है? टर्शियरी हैलाइड के द्वारा। अब अपन करते हैं नेक्स्ट SN2। SN2 मैकेनिज्म है, वो SN2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अब इसमें ध्यान क्या रखना है? कौन देगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड गिवन बाय प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर? ये कितने स्टेप्स में होती है? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। उसमें पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड था, इसमें कौन सा सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है? नॉन पोलर सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट है। कौन सा रिक्वायरमेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। उसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा था इंटरमीडिएट, इसमें इंटरमीडिएट अनस्टेबल फाइव मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो क्वेश्चन SN1 SN2 का डिफरेंस भी आ सकता है, तो चारों पॉइंट जो मैंने लिखे वो एज इट इज आपके डिफरेंस में मेंशन हो जाएंगे। अब अपन SN2 की मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड दे रहा है, सिंगल स्टेप्स में होती है, तो सपोज किया ये मैंने ले लिया एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड CH3
CH2XBr, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एरिया। अब इसी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पर क्या है कि अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा आपके लिए सही बना देता हूं, वही प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब इस Br- को जाना है तो क्लियर है कि OH फ्रंट से तो अटैक करेगा नहीं, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल्स करेगा, तो ये OH कहां से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। और चूंकि ये स्लो स्टेप है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में टू मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट, दो स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर हो गई, टू ऑर्डर हो गई, क्योंकि दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं SN2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ही अटैक करेगा बैक साइड OH से अटैक करेगा और Br क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन इसके पहले बीच में क्या बनती है, एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है, ये OH धीरे धीरे ऐड होता जा रहा है स्लो स्लो, और Br यहां से स्लो स्लो बॉन्ड क्या होता जा रहा है, रिमूव, ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन होता जा रहा है, ये ब्रेक होता जा रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये क्या बन जाती है, ये है 5-मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, जो अनस्टेबल 5-मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट के रूप में बन जाती है। और इसके आगे अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उस समय Br का चला जाएगा, बाहर चला जाएगा और प्रोडक्ट के रूप में अपन को मिल जाएगा OH ये वाला। अब यहाँ पे अपन को क्लियर दिखाई दे रहा है कि Br फ्रंट से गया, OH बैक से आया। मैंने SN1 में बताया था कि जब प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, तो उसको अपन कहते हैं इन्वर्जन। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, इन्वर्ट प्रोडक्ट बन रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एल्काइल हैलाइड पर भी कर रही है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक किया है उस पर भी कर रही है। तो टू मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टू स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं। क्लियर, SN1 और SN2 का डिफरेंस आ सकता है क्वेश्चन और उसमें ये अपने मैकेनिज्म आ सकती है। अब अपन को ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो ये ध्यान रखना है कि सपोज कि आपका एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो अगर अपन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की ओर मूव कर रहे हैं तो मैकेनिज्म कौन सी चलेगी, SN1 चलेगी, क्योंकि 3 डिग्री कौन सी देता है, SN1 देता है। पर अगर हम टर्सरी से सेकेंडरी और प्राइमरी की ओर मूव कर रहे हैं तो अपना क्वेश्चन किससे सॉल्व हो जाएगा, SN2 से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूं इसमें। देखिए सपोज किया मेरा ये क्वेश्चन ये आया कि विच गिव्स फास्ट SN2, कौन SN2 रिएक्शन फास्ट देगा, और मैंने एग्जांपल बनाया। तो क्लियर है, ये यहां से आगे सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री। ये यहां से आगे डबल कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन फास्ट रिएक्शन देगा SN2। अपन जानते हैं कि SN2 टर्शियरी की कंपेयर में सेकेंडरी देता है और सेकेंडरी की कंपेयर में प्राइमरी देता है। तो यहाँ पर अपन को क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, और अपन को SN2 लेना है तो प्राइमरी देगा, तो अपना आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लगा ये और ये, अब यहां क्या प्रॉब्लम है कि दोनों मॉलिक्यूल सेम है, हेलोजन एलिमेंट्स डिफरेंट है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, पूछ भी SN2 ही रहा है, तो SN2 दोनों ही 1 डिग्री है, तो यहां से तो आंसर आएगा नहीं। तो अब अपन को क्या देखना है कि क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, अपन ने देखा था कि आयोडीन की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, बॉन्ड एनर्जी वीक होती है, इसलिए वो पहले मोर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला आएगा। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपना टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN1 और SN2, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।